Hello guys, good morning to all of you. This is my Giraj here and now we are going to get discuss about the surface energy. Okay? तो साथियों अब हम discuss करने जा रहे हैं कि पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है. तो देखते हैं कि ये कोई तार पृष्ठ ऊर्जा ज्ञात कर रहे हैं. तो ये कोई तार था A B C D. इसे हमने A B और C D आकृति में मोड़ दिया इस प्रकार से. और यहां पर हमने क्या किया कि एक तार PQ जो खिसक सकता है यानी पिस्टल रूप में इसको लगा दिया. इसको जब हम द्रव में डुबोते हैं तो इसमें दो फिल्म बन जाएंगी. यहां पर जहां पर बल लगेगा 2TL और जब इस पर भार लटकाते हैं तो ये कुछ विस्थापित होकर नई स्थिति P'Q' प्राप्त करेगा और इतने विस्थापन में ये कुछ कार्य होगा जो यहाँ पृष्ठ ऊर्जा के रूप में संचित होगा. ठीक है ना. तो ध्यान रखिएगा कि माना कोई तार ए बी सी डी जिसे हम ए बी व सी डी आकृति में मोड़ दिया अर्थात यू आकृति में मोड़ दिया तथा बीच में एक धागा या कोई तार पी क्यू लगा दिया जो आगे पीछे खिसक सकता है. इसको जब हम द्रव में डुबोते हैं जिसमें दो फिल्म हैं इस तरीके से तो इसमें जब कुछ भार लटकाते हैं इस तार में जो खिसक सकता है तो ये कुछ विस्थापित होकर नई स्थिति P'Q' प्राप्त करता है. इस विस्थापन में हुआ कार्य पृष्ठ ऊर्जा के रूप में संचित रहेगा. तो ये कार्य होगा बल इंटू विस्थापन. तो एफ डैश का मान है 2TL इंटू डेल्टा एच. तो देखिएगा द्रव की फिल्म पर दो पृष्ठ हैं तो दोनों पृष्ठ का क्षेत्रफल भी डबल होगा 2L इंटू डेल्टा एक्स. ये जो होगा डेल्टा ए के इक्वल होगा और डेल्टा ए क्या है क्षेत्रफल में परिवर्तन. तो ये है इस प्रकार से हम ये पृष्ठ ऊर्जा निकाल सकते हैं. तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि जब हम किसी द्रव की बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में फुहारते हैं तो कितनी पृष्ठ ऊर्जा होगी. ठीक है ना. तो ध्यान रखिएगा द्रव की बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में फुहारने पर पृष्ठ ऊर्जा ये कितनी होगी. तो माना द्रव की कोई बड़ी बूंद जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है इसको हमने n छोटी बूंदों में फुहार दिया जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या स्मॉल r है और ऐसी ही कितनी बूंदें हैं n बूंदें हैं. तो एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर n छोटी बूंदों का आयतन और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है. तो ये हो जाएगा तो ये बन जाएगा आर क्यूब इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं एन स्मॉल आर ऐसे लिख देंगे एन के पावर 1/3 स्मॉल आर होल क्यूब. होल क्यूब का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एन बच जाएगा ये आर क्यूब हो जाएगा. इससे आर की वैल्यू आ जाएगी एन के पावर 1/3 कैपिटल आर या स्मॉल आर का मान निकालें तो आर एन के पावर 1/3 अपॉन में आ जाएगा. क्लियर. तो इसी से अब हम क्या निकाल सकते हैं A1 जो था 4πr² और A2 जब छोटी बूंदों में n छोटी बूंदों में फुहार करेंगे तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और ये n छोटी बूंदें हैं 4πr² प्रत्येक बूंद का क्षेत्रफल और n है तो ये तो इससे क्या होगा देखिएगा A2 equals to n into 4πr² इसका मान रख दीजिए तो ये r upon n power 1/3 whole square. तो n into 4π capital R square upon n power 1/3 का square हो जाएगा 2/3. तो A2 का मान आ जाएगा n n वाले एक तरफ कर दें तो n power 1 minus 2/3 4π R square. तो A2 equals to आ गया n के power 1/3 4π R square. First था और ये सेकेंड दोनों क्षेत्रफल आ गए. अब दोनों का अंतर कर दीजिएगा
अंतर करने से क्या आएगा, डेल्टा ए, ए टू माइनस ए वन यानी 4πr² कॉमन ले लेंगे तो n के पावर 1/3 माइनस 1 ये आ जाएगा डेल्टा ए। अतः पृष्ठ ऊर्जा कितनी होती है, W बराबर T इंटू डेल्टा ए, तो W इक्वल टू T इंटू 4πr² n पावर 1/3 माइनस 1 तो ये हो जाएगी पृष्ठ ऊर्जा। अब यहीं से अगर हम ऐसा करें कि जो बड़ी बूंद थी वो और एक छोटी बूंद की पृष्ठ ऊर्जाओं में अनुपात, तो देखिएगा बड़ी बूंद की ऊर्जा या पृष्ठ ऊर्जा मान लेते हैं W1 टी इंटू A1 तो टी इंटू 4πr², ठीक है ना। और एक छोटी बूंद का, एक छोटी बूंद की ऊर्जा ये कितनी मान लेते हैं W2 टी इंटू A2 और A2 एक बूंद का निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक बूंद का, तो W2 इक्वल टू टी इंटू 4πr², एक बूंद मतलब एक है, तो W2 इक्वल टू टी इंटू 4π और ये था कैपिटल R अपॉन n पावर 1/3², तो टी इंटू 4πr² अपॉन n के पावर 2/3 ये W2 आ जाएगा। तो W1 और W2 का अनुपात क्या होगा, टी इंटू 4πr² अपॉन टी इंटू 4πr² अपॉन n के पावर 2/3 तो ये आ जाएगा n के पावर 2/3 अपॉन 1 W1 अपॉन W। तो एक बड़ी बूंद और एक छोटी बूंद की पृष्ठ ऊर्जाओं में अगर अनुपात निकालना हो तो भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि बड़ी बूंद की ऊर्जा तो W बराबर T इंटू A1 ही रहेगी, लेकिन छोटी बूंद की ऊर्जा W बराबर T इंटू A2 जो होगा, एक बूंद का आयतन है भले आप इसको अलग कर दें A2 डैश कर दें, तो एक बूंद का 4πr² एक बूंद यानी जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, तो r की वैल्यू हमने कैपिटल R के रूप में रख सकते हैं, ये इसका स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा। W1 और W2 दोनों आ गए, ये W1 है और ये W2 है, दोनों का अनुपात कर दें अगर तो W1 अपॉन W2 इक्वल टू n पावर 2/3/1 आ जाएगा।